What is the difference between IMA and NDA? So Indian Military Academy में ex-NDAs directly जाते हैं after 3 years of training, लेकिन direct entries CDS exam देके 1.5 साल की training के लिए Indian Military Academy में आते हैं. So जो training है Indian Military Academy में वो specific है आपके service subjects में और academics के related. इस पे graduation या post graduation नहीं है क्योंकि वो आप NDA में कर चुके हैं. आपका सिखलाई जो है IMA में वो सिर्फ मिलिट्री एक्टिविटीज पे फोकस्ड है. आपको ऑफिसर की ट्रेनिंग देना, आपको लीडरशिप पोजीशंस के लिए तैयार करना और कौन सी टैक्टिक्स स्ट्रेटजीज हैं जो आप अडॉप्ट करके अपनी यूनिट में एक जूनियर लीडर बनेंगे, उन सब चीजों के लिए आपको तैयार किया जाता है. आप थोड़े से परिपक्व या मैच्योर हो चुके होते हैं क्योंकि आपने कुछ वक्त बिताए हैं NDA में या बाहर कॉलेज में, तो उस हिसाब से देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाता है, चीजों को समझने की क्षमता काफी ज्यादा हो जाती है और एक जेंटलमैन कैडेट अपने पूरे 1 साल या 1.5 साल के टेन्योर में वो कंधे पे 2 साज लगाने के सपने देखता है, पासिंग आउट परेड में ड्रिल करने के सपने देखता है और अपने यूनिट में कमीशन होने के बाद जॉइनिंग इन का बेसब्री से इंतजार करता है. और ना सिर्फ वो बच्चा लेकिन उसका पूरा परिवार, उसका समाज और जो सब उस बच्चे को चाहते हैं वो सब उस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं जब वो कमीशन होके भारतीय सेना में एक आधिकारिक पद पर नियुक्त होगा.